हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। एसडीएम कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। एसडीएम परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार की घटनाक्रमों को बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया। जिस उम्मीद से राज्य की स्थापना हुई और आज हम विकास के मुकाम पर खड़े हैं, इस पर गहनता से चर्चा की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आंदोलन में जिन ही लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलन ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस का जनपद का मुख्य कार्यक्रम नैनीताल में, परंतु जो कुछ राज्य आंदोलनकारी ऐसे चिन्हित हैं जो इनको स्वास्थ्य वगैरह की दिक्कतों के कारण नहीं जा पाते, उनको सम्मान के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी यहाँ पर आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत प्रगति की है, जब राज्य में हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हज़ार करोड़ों में बजट हुआ, और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे, और उनका मानना है, वो कहते हैं कि इस प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी, आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंबा से वो मुख्यमंत्री हैं।